How to create animation in PowerPoint. Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से PowerPoint में एनिमेशन स्लाइड्स को क्रिएट की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको एक कार की एनिमेशन तैयार करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें एक कार की इमेज की जरूरत पड़ेगी, तो हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, क्लिप आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर हम कार को टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। हमने यहाँ पर गो पे क्लिक किया, हमारे सामने कुछ कार की इमेज आ जाएंगी। अब हमें इनमें से एक कार को सिलेक्ट कर लेना है, तो हम इस ग्रीन कार को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड पर इस कार को लाने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो आप इस इमेज पर क्लिक करें, तब आपकी कार आपकी स्लाइड पर आ जाएगी, या आप कार पे राइट क्लिक करके कॉपी करके और स्लाइड पे राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो आपकी कार आपकी स्लाइड पर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने कार तो ले ली है, अब हमें रोड तैयार करना है। इसके लिए हम इंसर्ट्स टैब पर जाएंगे, शेप पे जाएंगे और रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद रोड की पिच तैयार करने के लिए हमें इस शेप पर हम क्लिक करेंगे तो हमें एक टूल मिल जाएगा, ड्राइंग टूल। ओके, इस पर हम क्लिक करेंगे, शेप फिल का ऑप्शन होगा और यहाँ पर नीचे आएंगे टेक्सचर, यहाँ से हम रोड की पिच को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम इस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी आउटलाइन थोड़ी ओड लग रही है, इसके लिए हमें इसी शेप पर क्लिक रखना है और ड्राइंग टूल आ जाएगा और शेप आउटलाइन पर जाएंगे और इसे हम ब्लैक कर देंगे। अब हमारा रोड पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम कार को इसके ऊपर रखेंगे, रखते ही आप देखेंगे फ्रेंड्स कि कार इसके पीछे चली गई है। तो इसके लिए आपको कार पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है, इसे ब्रिंग फ्रंट लाना है। ओके, यहाँ पर आपने ऑप्शन देखा होगा ब्रिंग फ्रंट, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपकी कार इसके ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पर हम बैकग्राउंड तैयार करेंगे, यहाँ पर हमें एक सन को प्लेस करना है तो इंसर्ट पे जाएंगे, शेप के सर्कल लिया हमने और यहाँ पर हमने ड्राइंग टूल आ गया, हमें मिल गया। तो यहाँ पर शेप पे जाएंगे, इसका कलर चेंज करेंगे और इसका आउटलाइन भी हम चेंज कर देंगे, रेड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें ट्री को प्लेस करना है तो हम क्लिप आर्ट पे जा करके ट्री टाइप करेंगे। ओके, गो पे क्लिक करेंगे और इस पर हमने क्लिक किया, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं ताकि सही लगे। ओके ओके, अब हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, हमें दो तीन ट्री लगाने हैं तो कॉपी राइट क्लिक करके फिर हम इसे पेस्ट कर देते हैं और हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। ओके, अब फ्रेंड्स हम इसे मूव करके देखेंगे तो आप दिखाई देगा कि कार इसके पीछे जा रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कार पर क्लिक करना है और ब्रिंग फ्रंट कर देना है और ब्रिंग फॉरवर्ड पे जाके यहाँ क्लिक कर देना। आप देखेंगे फ्रेंड्स अभी भी नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, हम ट्री पर क्लिक करेंगे और इसे सेंड बैकवर्ड कर देंगे और अब देखेंगे। ओके, अब इसको भी देख लेते हैं तो हम क्या करेंगे, कार ट्री पर क्लिक करेंगे और इसे सेंड बैकवर्ड कर देंगे। इसी तरह से इसको भी राइट क्लिक, सेंड बैक। ओके, अब हमें यहाँ पर एक होम को भी प्लेस करना है तो हम इस पर होम टाइप करेंगे। इसको भी चेक कर लेते हैं और फिर हम इस होम पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, सेंड बैकवर्ड। ओके, अब यहाँ पर हम एक टावर को भी लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक बिल्डिंग टाइप करेंगे। ओके, बिल्डिंग टाइप किया हमने, गो किया तो हमारे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग की काफ़ी इमेजेस हैं। तो हम इसको टावर को ले लेते हैं और इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि लगे कि ये काफ़ी दूर है। और इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए हमें राइट क्लिक करना है, ग्रुप अनग्रुप और यस करना है और जो जो भी आपको बैकग्राउंड डिलीट करना है उस पर आपको क्लिक करना है और डिलीट करना है,
से सिलेक्ट कर दिया हमने और डिलीट कर दिया। ओके, यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा टावर भी लग चुका है, अब हमें कार को मूव कराना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आना है स्लाइड पे और राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। आपको डुप्लीकेट स्लाइड लेनी है। जब भी आप डुप्लीकेट करेंगे तो कार पे आके सिलेक्ट करेंगे और इसको दो बार तीन बार जो भी आप मूव करना चाहें, जितना करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। तो हमने फिर से राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट, फिर हमने इसको दो बार मूव किया। अगर फ्रेंड्स आप अपने कार की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, आप एनिमेशन में दिखाना चाहते हैं कि कार स्लो से स्टार्ट हुई और स्पीड पकड़ ली, तो आपको दो तीन डुप्लीकेट स्लाइड के बाद आपको इसकी स्पीड को मूव ज़्यादा करना है। जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ, हमने डुप्लीकेट लिया, यहाँ पे हमने अभी दो लिया, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, और अब हम इसे दो से तीन बार कर देंगे या चार बार कर देंगे। इसी तरीके से हमें बार बार डुप्लीकेट स्लाइड को लेना है और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। ओके, फटाफट हम कर देते हैं ताकि फ्रेंड्स आपका ज्यादा समय ना लगे। मैं इसे ज्यादा जल्दी रिमूव कर देता हूं। हमें फ्रेंड्स जब तक डुप्लीकेट स्लाइड लेना है तब तक ये कार हमारी एंड तक ना आ जाए। ओके, डुप्लीकेट, फिर इसको मूव किया हमने, फिर डुप्लीकेट, फिर मूव। फ्रेंड्स आप चाहे तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके भी आप डुप्लीकेट स्लाइड ले सकते हैं। ओके, मैं इसे जल्दी जल्दी कर देता हूं। आपको फ्रेंड्स अच्छी सी स्लाइड बनानी है तो आप एक या दो बार इसे मूव करेंगे और आपकी स्लाइड कम से कम 40 से 50 तक पहुंच जाएगी। जितनी ज़्यादा स्लाइड्स होंगी उतनी ज़्यादा एनिमेशन आपकी क्लियर होगी। मैं यहाँ प्रैक्टिकली आपका आपको करने के लिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से एनिमेशन पावर पॉइंट में क्रिएट की जाती है। ओके, फ्रेंड्स हमारी कार एंड तक पहुँच ही गई है। ओके, अब फ्रेंड्स लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको दो तीन बार आपको डुप्लीकेट लेना है ताकि जब ये एनिमेशन प्ले होगी तो हमें रोड खाली दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि कार यहाँ से जा चुकी है और रोड खाली है। ओके, अगर फ्रेंड्स आपको इस रोड पर काफ़ी कार को दिखाना है कि एक के बाद एक कार आ रही है तो आपको इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे डिफरेंट कार ले लेनी है सर्च करके और यहाँ पर इसे प्लेस कर देना, फिर सेम यही प्रोसेस, डुप्लीकेट फिर मूव, डुप्लीकेट मूव करते जाओगे। तो इसी तरीके से आप दो या तीन कार को लेके मूव कर सकते हो, आपकी स्लाइड्स बहुत बन जाएंगी, लेकिन जब आपकी एनिमेशन प्ले होगी तो एक के बाद एक कार रोड पे रन करते हुए नजर आएगी। तो फ्रेंड्स अब इसे हम फाइनली तैयार करते हैं, हम एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से यहाँ पर आपका टिक होगा, तो यहाँ से मैंने टिक हटा दिया था, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑटोमेटिकली पे, यहाँ पर आपको चेक मार्क रखना है और अप्लाई टू ऑल कर देना है और स्लाइड शो पे जाना है, सेट अप स्लाइड शो पे, यहाँ कंटिन्यूस को आपको क्लिक कर देना है। यहाँ फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके चेक मार्क लगा देना है और इसका मतलब है लूप कंटिन्यूसली अनटिल एस्केप, यानी कि आपकी एनिमेशन कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक आप कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस नहीं करेंगे। तो हम इसे ओके कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने सभी सेटिंग्स कर दिए हैं यहाँ पर, अब हम इसे प्ले करेंगे। तो हम सबसे पहली स्लाइड पे जाएंगे। ओके, अब यहाँ से प्ले करने के फ्रेंड दो तरीके हैं, या तो आप कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस कर दें या आपको यहाँ पर स्लाइड शो का ऑप्शन दिखाई देगा, तो मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी स्लाइड्स मूव कर रही है, हमारा एनिमेशन जो आपको मैंने बताया था कि कार को मूव करेंगे हम, तो ये मूव कर रही है। तो अब फ्रेंड्स इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसे एंड कर देंगे। इस तरीके से आप अपने इस एनिमेशन को रोक भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके और इसको जो मैंने आपको इसमें तरीका सिखाया है वो आप
रिपीट करके सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें और दूसरों को भी शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।